दोस्तों आईपीओ आ रहा है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इस वीडियो में छह इंपॉर्टेंट इस आईपीओ से जुड़ी बातें हम करेंगे दोस्तों, जो आपको जरूर जाननी चाहिए और ये सब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको डिसीजन लेने में भी मदद करेगा कि क्या इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। जुलाई 7 से 9 तीन दिन ये आईपीओ आएगा और जुलाई के महीने में एक्सपेक्ट किया जा रहा है बहुत सारे आईपीओ आएंगे, तो क्लीन एनर्जी का जो आईपीओ है यहां से शुरुआत होने वाली है। इनफैक्ट दो आईपीओ आ रहे हैं 7 से 9 जुलाई। अब 880 से 900 रुपए का इसका जो प्राइस बैंड है दोस्तों, अपर प्राइस बैंड 900 का है, 16 शेयर का एक लॉट है, मतलब आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना है तो 14,400 रुपीज का एक लॉट की कीमत रहने वाली है। आईपीओ की साइज भी हम बता दें, 1546 करोड़ का ये टोटल आईपीओ का साइज होने वाला है दोस्तों। अगली बात दोस्तों, केमिस्ट्री मैंने ग्रेजुएशन तक ही किया है, ये जब मैं पढ़ रहा था डीआरएचपी तो मुझे लगा और ज्यादा मुझे केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए थी दोस्तों। ये स्पेशलिटी केमिकल में कुछ ऐसे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो कि यूज होते हैं एग्रोकेमिकल, कॉस्मेटिक्स, फार्मा और पर्सनल केयर है, फ्लेवर्स है, फ्रेग्रेंसेस है, तो उनके लिए। और क्लीन साइंसेस चूंकि इनका नाम है तो एक ऐसा उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जितने भी उनका जो यूजेज है तो कम से कम पॉल्यूशन हो, सिर्फ पानी ही है, वाटर ही है जो एक डिस्चार्ज होता है, तो पॉल्यूशन पर इनका बहुत ज्यादा जोर है कि जितना हो सके क्लीन साइंसेस के द्वारा प्रोडक्ट्स को जो भी इंटरमीडिएट्स है उनका बनाया जाए। अब क्या क्या प्रोडक्ट्स है, परफॉर्मेंस केमिकल्स है, फार्मा इंटरमीडियरी है, एफएमसीजी में यूज होने वाले केमिकल्स है वो बनाते हैं, और इनके जो मेन क्लाइंट्स हैं वो बेयर है, एसआरएफ है, विनाती है, विनाती ऑर्गेनिक्स है, ये बड़े इनके कस्टमर्स क्लीन साइंसेस के हैं। फाइनेंशियल्स मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगे जब मैं ये डीआरएचपी पढ़ रहा था, 31.4% का ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 18 से 20, तीन सालों में। पैट मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो 34.2% था फाइनेंशियल ईयर 20 में, जो कि 38.3%, जो कि बहुत ही अच्छा कहा जाएगा 9 महीने जो अप्रैल से दिसंबर 2020 में थे। सेम एबिट्टा मार्जिन 2020 में 44% था और 9 महीनों में 50% का एबिट्टा मार्जिन था। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 57.5%, ये जो 9 महीने जो थे अप्रैल से लेकर दिसंबर, तो इन सब चीजों को लेकर ये बहुत ही पॉजिटिव और फाइनेंशियल्स बहुत ही सपोर्टिंग करते हैं दोस्तों। ये फाइनेंशियल्स में जल्दी से आपको मैं बता दूं कि आप यहां पर देखिए 242 करोड़ का रेवेन्यू जो था ऑपरेशन से आता था, जो कि 2018 में, 2020 में 419 करोड़ का हो गया, जो मैंने 31.4% हमने बताया। पैट मार्जिन 28.5%, एबिट्टा 58.8%, तो जितने भी ये जो इंपॉर्टेंट फिगर्स है, एबिट्टा, एबिट्टा मार्जिन, आरओसी, आरओई, जो भी जब हम फंडामेंटल में जब हम जाते हैं डीप में एनालिसिस करते हैं तो ये सब नंबर्स देख के बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट भी जो था 48 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ के आसपास हो गया, मतलब 69% लगभग तीन सालों में प्रॉफिट बढ़ा। अब स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, कस्टमर्स भारत में है, चाइना में है, कनाडा में है, यूरोप में है और यूएसए में है दोस्तों। 65% जो बिजनेस है भारत से बाहर आता है दोस्तों। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो कस्टमर्स हैं, कुछ कस्टमर 10 साल से ज्यादा भी इनके पास है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कैटालिटिक प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा था ना, जैसे मेरे केमिस्ट्री के मित्र यहाँ पर बिल्कुल हमारी सपोर्ट कर सकते हैं जो कमेंट सेक्शन में, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं MEHQ, BHA, गुआकोल, फिर एनीजोल, तो जो भी मेरी जो बेसिक नॉलेज है तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं जिनका यूजेज इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए होता है, और यहाँ पर ग्लोबल वर्ल्ड पोजीशन में, जैसे लार्जेस्ट पोजीशन है MEHQ और BHQ बनाने में, एनीजोल और 4MAP बनाने में, इनका वर्ल्ड लेवल में नंबर वन है दोस्तों, और इंडिया में भी नंबर वन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं
वो ये चीज बनाती है जो हम आजकल आती है ना, कभी कभी आप लोग देखते होंगे मोनोपोली बिजनेस, ये तो ये एक नीश में मोनोपोली बिजनेस कह सकते हैं, लेकिन ये कहना अभी भी बहुत जल्दबाजी है क्योंकि आईपीओ आया ही है, बहुत ज्यादा इसमें भी स्टडी होना बाकी है दोस्तों। रिस्क बिजनेस है, इक्विटी है तो रिस्क भी रहेगी, रिस्क कहीं दूर नहीं जा रही है। डिपेंडेंट है आरएनडी कैपेबिलिटीज, जो भी इनके इनहाउस कैटेलिटिक्स हैं वो बनने चाहिए, जो कैटेलिटिक प्रोसेसेस है जो भी ये बनाते हैं वो पेटेंटेड नहीं है। टॉप 10 कस्टमर्स में बहुत ज्यादा इनका डिपेंडेंस है, 48% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर्स से ही आता है, और जो नंबर वन के कस्टमर है उन्होंने नाम नहीं बताया है वैसे, वो 12.2% 12% का बिजनेस वहीं से आता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो डिस्ट्रप्शन हो ही सकता है, जैसे हमने कोविड देखा या कोई भी लेबर इश्यू हो गया, कोई भी पॉलिटिकल इश्यू हो गया, तो वो सब। आखिरी चीज क्या करना चाहिए, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे तो अच्छा लगा स्टॉक, शॉर्ट टर्म जो सिर्फ अगर हम लिस्टिंग गेन के लिए भी बात करें तो देखिए जो मैंने सेकेंडरी रिसर्च की, जैसे जीएमपी है ग्रे मार्केट प्राइस 50% का, मैंने अलग अलग वेबसाइट्स में मैंने स्टडी किया तो मैंने देखा जो कि मुझे बहुत ही स्ट्रांग लगा, 50% का प्रीमियम बहुत अच्छा है, लेकिन ये वोलाटाइल है और इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, बट ये स्ट्रांग है एटलीस्ट 10 में से 7-8 जगह में तो ये सही चला ही जाता है। लेकिन किस पर रिलाई कर सकते हैं वो है एंकर लिस्ट, आने वाली है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कल या परसों मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एंकर लिस्ट, क्योंकि ये देखिए किम्स का आईपीओ आया था, बहुत ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने तभी भी कहा था ये ब्लैक हॉर्स बन सकता है, यहां पर सरप्राइज कर सकता है। एंकर लिस्ट उसके बहुत मजबूत थी और किम्स ने अच्छा परफॉर्मेंस भी बाद में किया था, तो एंकर लिस्ट का डेटा आएगा मैं आपको बता दूंगा, और ये जनरली इन्वेस्टर इस चीज को देखते नहीं है बट मैं जरूर देखता हूं, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप जोड़ कर रखिए दोस्तों। ये ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट मैं उम्मीद कर रहा हूं आज या कल आ जाएगी, तो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी जो है आपके साथ शेयर कर देंगे दोस्तों। मार्केट कंडीशन तो हमेशा से वो रिस्क है ही, तो ओवरऑल एक थम्सअप है, पॉजिटिव है। कुछ और डेटा अगर आ जाते हैं आजकल में तो मुझे लगता है और ज्यादा डिसीजन लेने में मदद होगी, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इसके जो फाइनेंशियल्स हैं एक कंफर्ट तो देते ही हैं आज की तारीख में दोस्तों। बाकी एंकर लिस्ट पर मेरा वेट रहेगा, ब्रोकरेजेस की राय भी एक बार हम सुन लेंगे, जान लेंगे कि उनका क्या कहने का है दोस्तों। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।